अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुसैन और आप देख रहे हैं रेड जीरो ऑफिशियल। फ्रेंड्स, ये वाली वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट्स को पढ़ने के बाद बना रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था, ये जो स्मार्ट वॉच है, अगर हम यहाँ पर इसको पासवर्ड लगा लेते हैं और फिर इस पासवर्ड को भूल जाते हैं तो इसको अनलॉक कैसे करें, यानी कि कोई ऐसा तरीका कार है कि हम अपनी वॉच को यहाँ पर रीसेट कर सकें या इसके पासवर्ड को फॉरगेट कर सकें। तो जी हाँ, इसका सोल्यूशन है, लेकिन यहाँ पर इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, हर स्मार्ट वॉच को अनलॉक करने का मेथड डिफरेंट है। कुछ स्मार्ट वॉचेज का क्या तरीकाकार होता है, हम उन वॉच को अपने मोबाइल के साथ उनके एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्ट करते हैं, फिर एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, वहां पर रीसेट का ऑप्शन होता है, उससे हमारी वॉच रीसेट हो जाती है मोबाइल के थ्रू। दूसरा तरीका का यह होता है कि यहां पर हम लोग बार बार जब कोई ना कोई रॉन्ग पासवर्ड टाइप करते हैं, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है फॉरगेट करने का। लेकिन ये जो DT No. 1 जो है स्मार्ट वॉच है, DT 7 सीरीज का टॉप वर्जन, इसके ऊपर ये दोनों मेथड ही वर्क नहीं करते। तो फिर हम लोग इसको कैसे अनलॉक करेंगे, यहां पर ये जो बटन वगैरह इसको प्रेस करते हैं कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसको अनलॉक करने के लिए थर्ड मेथड यूज होगा, जो कि मास्टर कीज है। तो वो मास्टर कीज मैं यहां पर इस वीडियो के अंदर आप लोग को बताऊंगा, तीन मास्टर कीज। तो उन तीन मास्टर कीज में से एक आध की आपकी वाच के ऊपर जरूर वर्क करेगी, और यहाँ पर लाइव डेमो आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम वाच के थोड़ा सा करीब चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें, अभी स्मार्ट वॉच को मैंने पासवर्ड जो है वो लगाया हुआ है। तो अभी यहाँ पर अगर मैं रैंडमली कोई भी पासवर्ड टाइप करूंगा तो ये पासवर्ड नहीं खुलेगा, क्योंकि ये इसका ओरिजिनल पासवर्ड नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों को साथ में मैंने रिकॉर्डिंग का टाइमर भी इसीलिए रख दिया ताकि आप लोग को ये ना लगे वीडियो को कट किया गया, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो अभी पासवर्ड मैंने रखा हुआ है वो है 2, 3, 5 और 6। तो यहाँ पर देखें 2, 3, 5, 6 से ये अनलॉक हो रही है। तो अभी यहाँ पर सपोज करें मुझे ये पासवर्ड भूल चुका है 2, 3, 5, 6, तो अगर मैं रैंडमली कोई भी पासवर्ड लगाता हूँ तो ये ओपन नहीं होगी। तो अब मास्टर कीज़ को हम ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मास्टर की हमारे पास फर्स्ट नंबर के ऊपर जो है वो है 8, 7, 9, 2। तो यहाँ पर देखें फर्स्ट मास्टर की वर्क नहीं कर रही, इसके ऊपर अब सेकंड वाली को हम ट्राई कर लेते हैं 8, 7, 9 और 5। तो यहाँ पर ये भी इसके ऊपर वर्क नहीं करी, पासवर्ड अनलॉक नहीं हुआ। तो अब थर्ड वाली ट्राई कर लेते हैं 8, 7, 6 और 2। तो यहाँ पर देखें थर्ड वाली जैसे मैंने ट्राई किया ये अनलॉक हो चुकी है, ठीक है। तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि इसका पासवर्ड जो रीसेट हो चुका है, इसके ऊपर थर्ड वाली जो मास्टर की है वो वर्क कर चुकी है। तो अब जो किया है आप लोग अपने ओरिजिनल पासवर्ड से भी इसको अनलॉक कर सकते हैं, वो तो इसका पासवर्ड है, यहाँ पर देखें 2, 3, 5, 6 से हो रही है। और इसी के साथ जो मास्टर की आपकी वॉच के ऊपर वर्क कर जाए आप लोग उसकी मदद से भी इसको अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मास्टर की से अगेन एक मतलब आप लोग को अनलॉक करके दिखा देता हूँ 8, 7, 6 और 2। यहाँ पर देखें तो आप लोग के वॉच के ऊपर जो भी मास्टर की यानी कि वर्क कर जाए, फिर आप लोग अपनी वॉच को अपने ओरिजिनल पासवर्ड और अपनी मास्टर की दोनों की मदद से अनलॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी टाइमर भी देख सकते हैं, 1 मिनट 25 सेकंड्स हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि कैसे हमने मास्टर की को यूज़ करते हुए अपनी स्मार्ट वॉच के पासवर्ड को अनलॉक किया। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, मजीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है एंड्रॉइड यूज़र ऑफिशियल के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।